बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आपका हो गया मेरे चैनल ब्लॉसम लाइफस्टाइल पर दिल से वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं, हम आ चुके हैं जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर में। पहली वीडियो आप मेरी देख चुके हैं, हम पहुंच गए थे मुजफ्फराबाद। थकन से चूर हो चुके थे रेस्ट करने के बाद। अच्छा सा तगड़ा सा नाश्ता किया, नाश्ते में अंडे, डिफरेंट तरह के अंडे थे, पाए थे, और साथ में एक चीज़ थी बकरखानी, जो कि हमारे यहाँ रोटी और नान इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा बकरखानी इस्तेमाल की जाती है, जो कि मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं लगी। चाय पीने के बाद हमने सोचा कि मौसम अच्छा है तो ज़रा बाहर का नज़ारा किया जाए। हमने जब बाहर देखा तो मौसम बहुत खूबसूरत था। एक तरफ झेलम बह रहा था और बुलंद बाला पहाड़ नज़र आ रहे थे, ग्रीन ग्रीन से बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। सोचा कि आसपास चल के घूमते फिरते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो यही सोचकर हम निकले और हमने आगाज़ किया। यहाँ पर झेलम जो है दरिया, वो बह रहा है बहुत खूबसूरत, और बहुत ही इसमें से ज़ोर से आवाज़ आती है पानी के बहने की। यहाँ पर एक डैम भी था, लेकिन वहाँ पर जो था वीडियो बनाना मना था। हमने सोचा हम जाकर डैम देखते हैं। सामने आपको डैम जो है वो नज़र आ रहा है। मैंने कोशिश की कैप्चर करने की, क्योंकि ये करीब से बनाने की परमिशन नहीं है। ये बुलंद बाला पहाड़ आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और दरख्तों से भरे हुए हैं। यहाँ पर जो था हम निकले और चले हम, ये इस ब्रिज से हमने आना था, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वीडियो बनाने की परमिशन नहीं मिली। यहाँ पास में ही एक पार्क था, हमने सोचा सबसे पहले जाके पार्क देखते हैं। और भी बहुत सारी जगह यहाँ पर हैं, कुछ जगह मैं आपको जो है वीडियो में दिखा दूँगी और कुछ मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर दूँगी, क्योंकि सब वीडियोज़ बनाना मुमकिन नहीं था। तो चलते हैं। आप ये देखेंगे सामने आपको असेंबली हॉल जो है वो नज़र आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रहा है, बहुत सारी इन जगह हैं जो यहाँ पर बहुत फेमस हैं तो और बहुत खूबसूरत भी हैं। यहाँ पर हम जा रहे थे पार्क में। पार्क जो था हमारी जहाँ हम रह रहे थे वहाँ से करीब ही था, तो हम बाइक पे चले गए। बहुत प्यारा पार्क था। यहाँ पर वर्कशॉप करने की भी अच्छी जगह बनी हुई थी, फैमिलीज आई हुई थी, क्योंकि ईद के बाद के डेज थे। और अच्छा
अच्छा पार्क था, छोटा सा था, बहुत प्यारा था। ये हट मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, इसमें फैमिली बैठ के खाना शाना इंजॉय कर रही थी। हमने भी कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा खाया, क्योंकि बहुत हैवी नाश्ता करके निकले थे, लेट किया था नाश्ता, तो हल्का फुल्का खाया। और बहुत प्यारी जगह थी, बहुत सुकून था, बहुत खामोशी थी, बहुत सारे लोगों के होने के बावजूद पुरसकून जगह थी। और साथ ही पानी का शोर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। पास में ही जो है झेलम बह रहा है, तो उसका जो खूबसूरत सा वो पानी की आवाज़ और ठंडक जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे ये हट बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, तो मैंने एक दफ़ा इसके करीब जाके थोड़ा सा इसकी वीडियो बना ली। अब हम आ गए हैं दरियाए झेलम पे नीचे उतर के, तो बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ लोग पिकनिक बनाने के लिए आए हुए थे, टिक्के बनाए जा रहे थे और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे लोग। तो यहाँ हम भी पानी के करीब आए, और यहाँ पास में ही जो है ना झेलम के ऊपर से एक ब्रिज गुजरता है, जो कि दूर से देखने में बहुत ख़तरनाक लग रहा था। मैंने बहुत मतलब हिम्मत जमा करने के बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलने के बाद हम जो ब्रिज के करीब पहुँच गए। तो जब मैं इस ब्रिज पे गई तो मुझे बहुत ही जो डर लग रहा था, क्योंकि ये बकायदा हिल रहा था, लोहे का ये बना हुआ था। और इसको देखने के बाद मैं पूरे रास्ते में नीचे नहीं देख रही थी और मैं चुप करके चल रही थी, और लास्ट में जाके मैंने इसको जो है पूरा देखा और फाइनली मुझे लगा कि मैं पहुंच गई हूँ। बहुत मुश्किल था इसके ऊपर चलना, क्योंकि जैसे जैसे इस पर चल रहे थे ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था। लेकिन ये लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ से बाइक भी गुजर जाती है, गाड़ी भी गुजर जाती है, ये बहुत अच्छा जो है बना हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं इसको देख के हैरान हो रही थी कि इसको बनाया किसने है और इसको यहाँ पर लगाया किसने है। हमारे लिए नई चीज़ थी, सो इसको भी इंजॉय किया। अभी मैं इसको आपको इसके पूरे का व्यू दिखाती हूँ कि कितना लंबा था और कितना जो है ख़तरनाक भी लग रहा था। तो फाइनली ये ब्रिज जो है ये क्रॉस करके हम लोग दूसरी जगह दूसरी तरफ आ चुके थे। और यहाँ बहुत सारे फलों के दरख्त मुझे नज़र आए। ये इसको खट्टी का दरख्त कहा जाता है। ये अभी से बहुत बड़े थे, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि ये सर्दियों में जो है जाके पकेंगे फल। अभी भी ये बहुत बड़े बड़े से लगे हुए थे। और यहाँ पर मैंने आड़ू के मतलब दरख्त देखे। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में कुछ वीडियोज़ डाल दी हैं। ये डैम था, लेकिन इसके करीब वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी। यहाँ से चलते चलते हम पैदल पहाड़ों पे जो है दोबारा आ चुके थे। और अब देखते हैं कि और हम क्या क्या आगे देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रिज है जो कि बहुत ही फेमस और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। उस पर खड़े होके ये पूरे जो है शहर का व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त, और घर बहुत छोटे छोटे लग रहे थे। कोशिश करेंगे आकर आपके ब्रिज को जो है मुकम्मल आपको दिखाएं, वरना मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूँगी, उसमें आप लोग जो है ब्रिज को मुकम्मल देख लीजिएगा। बहुत खूबसूरत और राहत को thank you.
इस ब्रिज पे खड़े होकर पूरे शहर का व्यू लेना और पहाड़ों को देखना, बहते हुए पानी को देखना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि ब्रिज जो है मुकम्मल दिखा सकूँ। इस पे खड़े होकर घर जो थे वो छोटे छोटे नज़र आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा घर जो हैं वो खूबसूरत भी लग रहे हैं। ये देखें इस तरह ये ब्रिज बना हुआ और बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। ये इस पर टोटल लाइटिंग है जो रात को जलती है और बहुत खूबसूरत लगती है। बहुत ज़्यादा थकन थी तो ज़्यादा रुके नहीं कहीं पे, घूम फिर के हमने सारा शहर जो है देख लिया और आपके साथ भी शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब रात हो चुकी थी तो हमने सोचा कि अब वापस जाया जाए। तो हम निकले हैं वापस घर की तरफ, खाना एंजॉय होगा, फल शल खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। नेक्स्ट डे क्या है वो आप देखेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही लगे हुए बेल के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें, दूसरों में खुशियाँ बांट दें। अल्लाह हाफिज़। Oh, mm-hmm.